लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों के क्लास का टॉपिक है लाक के द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार क्या है? प्राकृतिक अधिकार की बात जान लाक के द्वारा किया गया, इसलिए लाक को प्राकृतिक अधिकार का पिता कहा जाता है। आपको आएगा कि प्राकृतिक अधिकार का पिता कौन है, जान लॉक। आपको आएगा कि उदारवाद का पिता है कौन, जान लॉक। आपको आएगा कि आदर्शवाद का पिता है कौन, प्लेटो। हमको यह बात यहाँ समझना है कि आखिर प्राकृतिक अधिकार की बात जान लॉक ने क्यों किया। प्राकृतिक अधिकार की बात जान लॉक ने इसीलिए किया क्योंकि वह उदारवाद का पिता है। उदारवाद का संबंध किससे है, आपको याद करना है, पूंजीवाद से। पूंजीवाद का संबंध किससे है, पूंजी से। आप पूंजी में क्या होता है, निवेश, और निवेश से क्या होता है, उत्पादन। उत्पादन से क्या होता है, बिक्री, और बिक्री से क्या होता है, धन का केंद्रीकरण। और यह धनवान आदमी महत्व किसको देता है, व्यक्ति को। और व्यक्ति के साथ साथ किसको महत्व देता है, व्यक्ति के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता को। इसलिए जान लॉक उदारवाद का पिता होने के कारण प्राकृतिक अधिकार का भी पिता है। और प्राकृतिक अधिकार की सर्वप्रथम बात किसके द्वारा किया गया, जान लॉक। अब आपको यह समझना है कि आखिर प्राकृतिक अधिकार है क्या। कोई भी ऐसा अधिकार जो राज्य की उत्पत्ति से पूर्व जन्म से व्यक्ति को प्राप्त था उसे ही हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक अधिकार। माने ऐसा कोई भी अधिकार जब राज्य नहीं था तब भी था, जिसको प्रकृति ने व्यक्ति को जन्म से ही प्रदान कर दिया, उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक अधिकार। इसलिए प्राकृतिक अधिकार का समर्थन किया है किसने, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौतावादी विचारकों ने। लाख तो इसका पिता है ही है, लेकिन एक अन्य चिंतक है हॉब्स के भी द्वारा प्राकृतिक अधिकार का तो समर्थन स्पष्ट रूप में नहीं किया गया, लेकिन जीवन और आत्मरक्षा को प्राकृतिक अधिकार इसने भी माना है। खैर, अब हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि जान लॉक के द्वारा किसको प्राकृतिक अधिकार बतलाया गया। लॉक ने कहा कि तीन प्राकृतिक अधिकार हैं। पहला जीवन का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा संपत्ति का अधिकार, ना लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ये तीन है। आपको यह सवाल आता है कि लॉक ने किस अधिकार को सर्वोत्तम माना। लॉक ने संपत्ति के अधिकार को सर्वोत्तम बतलाया और कहा कि संपत्ति के अधिकार में
जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार अपने आप अंतर्निहित है। इसलिए हमको आया कि ला के द्वारा किस अधिकार को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया, तो क्या लगाना है? संपत्ति। आपको यह सवाल पूछा जाता है कि जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार में किसको सम्मिलित नहीं किया? जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के साथ एक विकल्प रहता है समानता। आपको लगाना है समानता प्राकृतिक अधिकार के रूप में लॉक के द्वारा मान्य नहीं किया गया था। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को ही प्राकृतिक अधिकार माना और संपत्ति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना और संपत्ति की व्याख्या करने के लिए लॉक के द्वारा श्रम सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया गया। इसी को पात्रता का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या? पात्रता का सिद्धांत भी कहा गया है कि यह श्रम सिद्धांत पात्रता का सिद्धांत है। इसके द्वारा एक व्यक्ति जब किसी वस्तु के ऊपर अपना श्रम लगाता है तो वह वस्तु उसकी संपत्ति कहलाती है। मैकियावेली के द्वारा भी अपने राजनीतिक चिंतन में संपत्ति को महत्वपूर्ण माना गया था और कहा था कि मनुष्य मूलतः संपत्तिशाली प्राणी होता है क्योंकि संपत्ति को प्राप्त करने के लिए वह किसी भी हद तक गुजर सकता है, लेकिन संपत्ति की उत्पत्ति कैसे होगी, संपत्ति कैसे प्राकृतिक अधिकार बनता है, इसकी क्रमबद्ध और वैज्ञानिक व्याख्या जॉन लॉक के द्वारा किया गया और कहा कि वस्तु को अगर श्रम के साथ जोड़ दिया जाए तो वह संपत्ति हो जाती है। इसने इस बात को भी कहा कि यही संपत्ति बौद्धिकता का मानदंड है, बौद्धिकता का मानदंड है। अर्थात यदि आपके पास संपत्ति है तो आप बौद्धिक हैं और यदि संपत्ति नहीं है तो आप बौद्धिक नहीं हैं। केवल साफ साफ यह बात पूंजीवादी दृष्टिकोण से लॉक ने किया। श्रम सिद्धांत की व्याख्या करते हुए सबसे पहले इसने समानता मूलक दृष्टिकोण को अपनाता है। इसने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा केवल उतनी ही संपत्ति को रखा जाए जितना उसके भरण पोषण के लिए आवश्यक है और अन्य के लिए छोड़ देना चाहिए। दूसरा भी एक आप बात कहा इसी के अंतर्गत, कहा कि स्वयं के श्रम से आर्जित संपत्ति पर व्यक्ति का अधिकार होगा। व्यक्ति का अधिकार किस पर होगा? केवल स्वयं के श्रम से अर्जित की गई संपत्ति पर। माने अगर अपने किसी सहयोगी या नौकर के द्वारा कोई व्यक्ति संपत्ति अर्जित करता है तो उस पर उसका अधिकार नहीं होगा। अर्थात लॉक ऐसा चिंतक है जो पूंजीवादी है, जिसमें प्रतिस्पर्धा का होना आवश्यक है। आपने व्यूग्राफ के माध्यम से इस बात को देखा कि धन का केंद्रीकरण भी अनिवार्य तत्व है, लेकिन यहाँ पर एक बात वह कह देता है कि समानतामूलक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि सीमित संपत्ति रहे, उतनी ही संपत्ति हो जितना भरण पोषण के लिए आवश्यक है। परंतु कालांतर में
लाख को अपनी इस गलती का एहसास हो जाता है और उसको लगता है कि मैं तो धनवानों का प्रवक्ता हूँ और धनवानों के प्रवक्ता होने के कारण पूंजीपति वर्ग धन का केंद्रीकरण करता है, प्रतिस्पर्धा में तल्लीन रहता है, इसलिए समाज में असमानता का होना स्वाभाविक है, जिसके परिणाम स्वरूप इन दोनों शर्तों को कालांतर में उसने वापस ले लिया और वापस लेने के कारण असमानता मूलक समाज का निर्माण हुआ। किसी के पास अधिक संपत्ति आ जाती है और किसी के पास कुछ भी नहीं रहता है। तो इस प्रकार से जॉन लॉक के द्वारा प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत के अपनी एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित व्याख्या की गई। चलिए, हमारे क्लास का यह विषय केवल यहीं तक था। हमारा ऑनलाइन बैच कंटिन्यूअस स्टार्ट हो चुका है। यदि आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज का हम लोगों का क्लास यहीं तक था। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।